फूलों की खूबसूरती और खुशबू हर किसी को आकर्षित करती है, पर एक फूल ऐसा भी है जो दुनिया का सबसे सुंदर फूल तो है, लेकिन उससे सड़े जानवर जैसी बदबू आती है। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे अजीब फूलों के बारे में। नंबर 1, रेफ्लेक्सिया। ये फूल विश्व में अपनी सबसे बड़ी आकृति और बदबूदार महक के कारण प्रसिद्ध है। ये फूल इंडोनेशिया तथा मलेशिया के अलावा फिलीपींस में भी उगते हैं। बिना पत्तियों और तने वाला ये फूल दुनिया में मौजूद लगभग सभी फूलों में सबसे अधिक बड़ा है। ये फूल इतना बड़ा है कि इस फूल का व्यास 105 सेंटीमीटर तथा वही इसका वजन 11 किलोग्राम का है। ये फूल खिलने में तो 9 महीने तक का वक्त लेता है, परंतु करीब एक हफ्ते तक ही जीवित रह पाता है। नंबर 2, इस फूल की एक डाली यानी कि ब्रांच लाखों में मिलती है। साइपरपीडियम कैल्केसेस नाम का ये जंगली ऑर्किड कभी पूरे यूरोप में मिलता था, लेकिन अब ये सिर्फ ब्रिटेन में ही होता है। पीले और जामुनी रंग वाला ये फूल अब इतना दुर्लभ है कि इसकी एक डाली 5,000 अमेरिकी डॉलर और 3,35,700 रुपए में मिल सकती है। नंबर 3, इसे घोस्ट ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबा और फ्लोरिडा के जंगलों में पाए जाने वाले डेंड्रोफिलिक्स लिंडेनी फूल को भूतिया ऑर्किड का नाम दिया गया है। इसे 20 साल पहले ही विलुप्त घोषित कर दिया था। इसमें पत्तियां नहीं होती, इसकी जड़ें फोटोसिंथेसिस करके फूलों को पोषण देती है। इस फूल का पॉलिनेशन सिर्फ जायंट फिंक्स नाम की तितली कर सकती है। नंबर 4, दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे खूबसूरत फूल से सड़े हुए जानवर जैसी बदबू आती है। आरेशिया प्रजाति का ये फूल टाइटम एरम के रूप में जाना जाता है। इस फूल की पत्तियां 8 से 10 फीट ऊंची जा सकती है। दुनिया में ये सबसे ऊंचाई वाला फूल है। उष्णकटिबंधीय फूल सुंदर होने के साथ बेहद बदबूदार भी होता है। किसी सड़े हुए मांस जैसी गंध आने के कारण उसके पास आना भी दुश्वार होता है। इस विशालकाय फूल को दुनिया का सबसे पुराना, सबसे अधिक ऊंचाई वाले फूल की प्रजाति होने का दर्जा प्राप्त है। नंबर 5, देखा जाए तो सभी फूल दिन में खिलते हैं, पर हमारा ये अगला फूल कुछ अलग है जो रात में खिल उठता है। एपिफाइलम ऑक्टिपेटालम फूल श्रीलंका के जंगलों में होता है और बौद्ध धर्म में ये खास जगह रखता है। इस फूल की खासियत है कि ये सिर्फ रात में खिलता है और सुबह होने से पहले ही मुरझा जाता है। नंबर 6, शू फ्लावर की प्रजाति वाला हिबिस्कस को क्यों फूल सिर्फ हवाई आइलैंड में मिलता है। 1950 में ये विलुप्त हो चुके थे, फिर 20 साल बाद कोकियो का एक पेड़ मिला। लाल से नारंगी रंग के फूलों वाला ये पौधा एक आगजनी के खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी एक डाली बच गई थी। इसे 23 अन्य पौधों में ग्राफ्ट कर दिया। नंबर 7, मंकी फेस ऑर्किड। इस फूल का वैज्ञानिक नाम ड्रैकुला सिमिया है। पेरू के जंगलों में और इक्वेडोर के दक्षिण पूर्व भागों में पाए जाने वाला ये फूल करीब से देखने पर इसमें छोटे से बंदर के मुस्कुराते हुए चेहरे जैसी आकृति नजर आती है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह दुर्लभ ऑर्किड पूरे वर्ष में एक बार ही खिलता है। नंबर 8, अगला ये फूल 100 साल पहले विलुप्त हो गया था, पर साइंटिस्ट ने इस फूल का क्लोन बनाया क्योंकि इसकी खुशबू काफी मनमोहक होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कॉस्मोस एस्ट्रोसैग्निगिनियस मेक्सिको के जंगली फूल है। 100 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। सिर्फ एक प्रजाति का क्लोन 1902 में बनाया गया था। ये फूल गर्मी में वैनिला जैसी खुशबू देते हैं। इन्हें चॉकलेट कॉस्मोस भी कहा जाता है। नंबर 9, हमारा ये फूल काफी खूबसूरत है, पर यह भी विलुप्त होने के कगार पर है। हल्के हरे रंग का स्ट्रोंगिलोडोन मैक्रोब्रैट्रिक्स पंजे के शेप वाले इसके फूल फिरंजी रंग के होते हैं। हालांकि इसका रंग नीले हरे से लेकर चटक हरे तक हो सकता है। ये फूल फिलीपींस के जंगलों में पाए जाते हैं और कटाई की वजह से खतरे में है। नंबर 10, ब्लीडिंग हार्ट। इस फूल का नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी आकृति दिल की तरह होती है तथा फूल की पत्तियों के अंत में एक बूंद जैसी छोटी सी आकृति लटकती है जिसकी तुलना रक्त बूंद से की गई है। हालांकि विश्व के कई भागों में पाया जाने वाला ये पौधा फूलों के गहने बनाने में उपयोग किया जाता है, परंतु जहरीला होने के कारण इससे गंभीर त्वचा की समस्याएं होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।